जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। बुधवार को इस पत्ते से घर पर करें ये काम, रातों रात बदल जाएंगे सितारे, हर काम में किस्मत देगी साथ। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। मैंने आपको काफी बार पान के पत्तों का चमत्कार बताया है, मैं आपको फिर से पान के पत्तों का चमत्कार बताने वाली हूँ। अगर आप एकादशी के दिन पान के पत्तों से कुछ उपाय करते हैं या फिर बुधवार को करते हैं ये उपाय, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य इन उपायों को करने से मालामाल हो जाता है। नवरात्र के पूजन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको माता को अर्पण करना है पान। पैसों की तंगी हो या आकर्षण शक्ति बढ़ाना हो तो ये पान का उपाय कर लेंगे तो बरसेगा आपके ऊपर धन के धन और माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। किसी भी नवमी या अष्टमी को माता का ध्यान लगाकर घर में गाय के गोबर के उपलों पर पान, लौंग, कपूर, इलायची और गूगल के साथ कुछ मीठा डाल करके माता की धुनी दें। और आप चाहे तो ये काम आप 9 दिनों तक रोज कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी कोई बात नहीं मानता है, आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो चंदन और केसर पाउडर मिला करके पान के पत्ते पर रख लें और फिर माता दुर्गा की तस्वीर के सामने इसे रखें, चंडी स्रोत का पाठ करें और फिर रोजाना इस पाउडर का तिलक लगाएं। अगर आपके हर काम में अड़चने आ रही हैं, तो आज आप माता के मंदिर में जा करके पान का पीड़ा चढ़ा सकते हैं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, कोपरे का बूरा, एक सुमन तत्री आती है, वो इसके साथ ही लौंग का जोड़ा रख सकते हैं। ध्यान रखें, पान में आपको सुपारी और चूना नहीं डलवाना है। किसी भी देवी के मंदिर में जा करके गलती की क्षमा मांगे कि मेरी जो भी अगर गलती हुई है, जैसे अगर आपको व्यापार में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप माता के सामने क्षमा मांगे कि हे माँ, मुझसे अगर अनजाने में कोई गलती हो गई है तो प्लीज क्षमा करें। और फिर पान का बीड़ा अर्पण करें और हो सके तो 9 कन्याओं को भी भोजन खिलाएं और पान का बीड़ा खिलाएं। अगर आपके घर में बुरी नजर लग गई है, माता के मंदिर में पान रख करके नजर लगे हुए व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रख करके खिलाएं, इससे नजर दोष दूर हो जाते हैं। अब आपको एक काम करना है, आज शाम को आप हनुमान जी के साथ ये काम कर सकते हैं। 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, 8 पान के पत्ते लेने हैं और सब मिला करके आपको एक ही धागे में ध्यान करते हुए माता रानी का घर में पूरब की ओर बांध देना है। पुराने पत्तों को नदी में बहा दें। अगर आपने पहले ये उपाय किया हुआ है तो पुराने पत्तों को आपको नदी में डाल देना है। पान के पत्तों से बुधवार का दिन है, बुधवार को पान के पत्ते से अगर आप अपने घर में प्रयोग कर लेंगे तो ऐसा माना जाता है कि रातों रात आपके सितारे बदल सकते हैं। हिंदू धर्म में हमारे पान को शुभता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी शुभ काम में, पूजा पाठ में पान के पत्तों का प्रयोग किया ही जाता है। इसी स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के टाइम पर पान के पत्ते का उपयोग हुआ था और तभी से पान के पत्तों को खास महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसको बहुत ही कारगर मानते हैं। वशीकरण, मैंने आपको बताया है कि इसे वशीकरण तक होते हैं और बहुत सारी समस्याओं का हल पान के थ्रू आप कर सकते हैं। बुध ग्रह और पान का बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध सौर मंडल के नवग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट भी है। बुध ग्रह व्यक्ति को वृद्धता, वाद विवाद की क्षमता, जातक के दांतों, गर्दन, कंधों और त्वचा पर अपना प्रभाव डालता है। ये कन्या राशि में उच्च और मीन राशि में नीच का होता है। और ज्योतिष की दृष्टि से बुध आपका जो भी कम्युनिकेशन आज के डेट में है, तो इसके लिए आजकल आपको बुध को स्ट्रॉन्ग करके रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर काम धंधा लोग कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग, विचार चर्चा और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है बुध ग्रह। और इसी में आजकल के लोग ज्यादा बिजनेस या जॉब करते हैं, इसीलिए आप अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करके रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बुध देव को हरा रंग बहुत ही प्रिय होता है और बुध का मूल अंग होता है पान। इनकी शुभ दिशा होती है उत्तर, इनका प्रिय रत्न होता है पन्ना और इनकी प्रिय धातु होती है कांसा। बुध देव की अधिपति होती है देवी दुर्गा। बुध एक परोपकारी ग्रह है, लेकिन जन्म कुंडली में बुध की अन्य ग्रहों के साथ कृति या भाव में हमारी जो भी व्यवहार है उसको तय करती है। यदि बुध ग्रह पाप ग्रहों के साथ युति करता है तो बुध ग्रह हमारे लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
इसलिए बुध को चंचल और अचल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हमारी जो भी बोलने की हमारी स्पीकिंग पावर है, जो भी हमारी समझ है, बुद्धिमत्ता है, मनोवृत्ति है, तर्क है, वाणी है, चपलता है, दक्षता, यात्राएं, जो भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, ज्ञान, हमारी बुद्धि, ये सब बुध ग्रह पर डिपेंड करता है। तो मंगलवार और बुधवार के दिन पान के पत्ते पर अगर कत्था लगा करके बच्चों को खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि भी कुशाग्र होती है। बुधवार के दिन आपको अपनी जेब में पान का एक पत्ता, खीरा या धनिया रख करके लेकर के निकलना चाहिए। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, सारा दिन शुभता में व्यतीत होगा। और बुधवार के दिन गणेश जी को पान पर कंसार कोरे रखकर चढ़ाने से जीवन में आ रही सभी संकटों का नाश हो जाता है। ध्यान रखिए, बुधवार के दिन पान आपको सेवन नहीं करना है। बच्चों को आप खिला सकते हैं, लेकिन आपको नहीं खाना है। घर में अगर आपके नेगेटिव एनर्जी का वास हो गया है तो मुख्य द्वार पर, जैसा मैंने आपको बताया था, पान के 5 पत्ते धागे में पिरो करके लटका दें और प्रतिदिन हो सके तो इन पत्तों को बदलें। ध्यान रखिए, मुरझाए हुए पत्ते सकारात्मकता का नाश करते हैं, इसलिए जैसे ही वो मुरझा जाए उसको तुरंत आपको उतार कर फेंक देना है। बुधवार के दिन आप एक पत्ता पान का लेकर के इसमें राम राम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाएं। आप चाहे तो 11 पत्तों की माला बना करके हनुमान जी को या गणेश जी को चढ़ा सकते हैं और आप देखेंगे कैसे आपकी सभी विघ्न बाधाओं का नाश होता है। पान का पत्ता, जो भी हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज होती है उसको पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करता है। अगर किसी भी नजर लगे हुए व्यक्ति को आप पान के पत्ते में 7 गुलाब की पंखुड़ियां रख करके खिला देंगे तो ऐसा माना जाता है कि नजर दोष समाप्त हो जाता है। पान का पत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सावन के महीने में अगर आप पान का पत्ता अर्पित करते हैं शिव जी को तो माना जाता है कि आपकी सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पान के पत्ते से एक उपाय होते हैं और आपको मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, वो आप कर लीजिए। एक छोटा सा उपाय और है पान का, जिसे अगर आप करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको ये बुधवार के दिन करना है ये उपाय। पान के पत्ते की जड़ को माता भुवनेश्वरी का, दुर्गा माता का एक स्वरूप है माता भुवनेश्वरी, उनका ध्यान करके आपको उस पान के पत्ते की जड़ को घिस करके तिलक लगाना है। ऐसा करने से आपकी आकर्षण शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आप खुद देखेंगे कि कैसे लोग आपके वश में आने लगते हैं। कहीं भी नवरात्रि की अगर आपको दिखे कि आहुति हो रहा है, हवन हो रहा है, तो वहाँ पर 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान चढ़ाएं। आप चाहें तो किसी भी तीर्थ स्थल, किसी काली मंदिर, किसी दुर्गा मंदिर, कहीं पे भी हवन होता हो, आप वहाँ पर भी आप जा करके एकादशी या फिर बुधवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपके जीवन से सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। पान का पत्ता हमारे जीवन में सुख और शांति लाता है, हमारे व्यापार में वृद्धि करता है, बुरी नजर से किसी भी प्रकार की कुंडली दोष होते हैं उनसे बचाता है, बुध ग्रह के जो दोष होते हैं उनसे बचाता है हमें, पैसों की तंगी हो या आप प्रेम शक्ति बनाना चाहते हैं, कोई आपके वश में नहीं आ रहा है, आपके लवर या पार्टनर, तो सभी में पान के पत्तों का ये छोटा छोटा उपाय मैंने आपको बताया है, वो आप कर लीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। बुधवार को करना है क्योंकि बुधवार सबसे छोटा ग्रह है और अगर इसे आप मना लेंगे तो हमारे जीवन में ग्रीनरी का प्रतीक है ये। मैंने आपको बहुत से बार बताया कि अगर आप चाहे तो अपने घर में अगर आप बुधवार के दिन पान के पत्तों का बेल लगा सके तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। थोड़ी महंगी मिलती है पान के पत्तों की बेल, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है और ना मिले तो भी कोई परेशानी नहीं है। कम से कम एक पान का पत्ता आप दुर्गा माता को जरूर चढ़ा दें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।